आज गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय गोरखपुर में बन रहे हैं, 4 विश्वविद्यालय वाला जिला गोरखपुर है, एम्स गोरखपुर में है, गोरखपुर की एयर कनेक्टिविटी आप देख रहे होंगे हर बड़े महानगर के लिए हो गई है, हर ओर से 4 लेन 6 लेन की कनेक्टिविटी गोरखपुर की सड़क मार्ग से भी हो चुकी है, पर्यटन की दिशा ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ रही है। ये केवल विकास नहीं है, यहां के युवाओं के लिए रोजगार का भी सृजन कर रहा है, अनेक नौजवान इस रोजगार के साथ जुड़ रहे हैं। और रोजगार से भी महत्वपूर्ण है, उसके सामने जो पहचान का संकट था वह उससे उभर चुका है, अब वो कहीं जाएगा लोग एक बार तो उसके बारे में जरूर सोचेंगे, जो पहले लोग सोचते गोरखपुर, यानी ऐसा खोप लोगों के मन में होता था गोरखपुर के नाम पे कि उसको होटल में रूम नहीं मिलता था, धर्मशाला में रुकने नहीं देते थे, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि गोरखपुर के नाम पर आप कहीं जाएंगे लोग बड़े गर्व के साथ कहेंगे अच्छा गोरखपुर से, हाँ आइए भैया, जरूर बोलेगा हर व्यक्ति। उस छवि को हम लोगों ने बदला है, गोरखपुर से नॉमिनेशन दाखिल कर दिया, गोरखपुर में नॉमिनेशन। अब गोरखपुर की जनता पूछेगी कि 5 साल हो गए मेट्रो कहाँ है, नाव में क्यों चलना पड़ता है, सीवर क्यों नहीं है, ट्रैफिक की जाम क्यों रहता है, जानवर सड़कों पे क्यों है, विकास क्यों अधूरा है, बिजली क्यों महंगी है, रोजगार क्यों नहीं मिले, ये तमाम सवालों के जवाब अब मुख्यमंत्री जी को खुद देना पड़ेगा। कानून व्यवस्था के ऊपर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया उसी में एक और सवाल उसे जोड़ा गया था, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो हमला हुआ, बहुत मैं निंदा करता हूँ और दुखद है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और अगर ये हिंसा हुई है तो आखिरकार इसके पीछे दोषी कौन है, कारण क्या है, दोषी पकड़े गए हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोगों की मंशा क्या थी ये भी साफ आना चाहिए, और ये लोग तो दावा करते थे कि अपराधी भाग गए, तो अगर अपराधी भाग गए तो ये हमला किसने किया। सर आज आपने एक्सप्रेस वे का जिक्र किया, अपनी योजनाओं का बताया कि एमएसपी भी पूरी तरह से सबको मिलेगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़े, उन्होंने एमएसपी पे कहा और एक्सप्रेस वे पे भी कहा कि उनकी सरकार ने एक्सप्रेस वे दिया, मुख्यमंत्री की बहुत तारीफ करी उन्होंने। देखिए एमएसपी मिलना चाहिए किसानों को फसलों का, ये इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे, अभी किसी भी फसल का ये बीजेपी के लोग एमएसपी नहीं दे पाए, 3 काले कानून ऐसे लाए कि मन मर्जी किसानों की फसल खरीद लेते, ये एक्सप्रेस वे समाजवादियों का बनाया हुआ है, आगे का पूर्वांचल एक्सप्रेस भी समाजवादी सरकार का बना हुआ है।